हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हमने एक चैप्टर लिया था, आप मेरे पूरे वीडियोस देखना। द नेम ऑफ द लेसन इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, उस सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? ओके, ऑलरेडी लेक्चर है इसलिए टेंशन की बात नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? मैंने 15 लेक्चर बनाया बेटा, ये 16 नंबर का लेक्चर चल रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सॉल्यूट के संख्या के ऊपर, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओके, चाहे वो सॉल्यूट कौन सी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, पोलर है, नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है बेटा। यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि नंबर्स के ऊपर, संख्या के ऊपर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस लेसन में पढ़ना है। नंबर 1 है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 2 है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और 1 है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लास्ट और 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आज हम पढ़ने वाले हैं। और किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बदलने से वेरीफाई होता है, चेंज होता है, वेरीड होता है, बदलता है, इसलिए इसको हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है बोल रहा हूँ, तो समझ जाना कि ये नंबर ऑफ काय के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल। तो आज इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमको समझना है या अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। अभी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेने वाला हूँ। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेने से पहले, मतलब हम ले रहे हैं 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। What is the name of that colligative property? Osmotic pressure, जिसको अपन पाए से डिनोट करेंगे बेटा। It is a colligative property because it depend upon number of solute particles. Okay? इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक टर्म समझते हैं। What is the meaning of osmosis? ठीक है ना, osmosis क्या है? ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कि मान लो एक बड़ा सा कंटेनर लिए, उसमें आपने एक पार्टीशन किए, पार्टीशन करने के लिए आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पार्टीशन यूज करे। अब आप बोलेंगे सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SPM? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या बोला बेटा? मैंने बोलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत या प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही इधर से इधर अलाउ करेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, सॉल्वेंट का छोटा होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी पोरेसिटी जो है बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो आप यहाँ पर सेलुलोज, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज का मेम्ब्रेन यूज कर सकते, ओके, सेलुलोज नाइट्रेट का मेम्ब्रेन यूज कर सकते, ठीक है, समझ में आ रहा मेरी बात, ठीक है ना। उसी तरीके से हम एनिमल ब्लैडर यूज कर सकते, एनिमल ब्लैडर, कॉपर फेरोसाइनाइट, एनिमल ब्लैडर यूज कर सकते, ठीक है ना, उसको भी एज ए सेमी परमिएबल यूज कर सकते, कॉपर फेरोसाइनाइट, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ All these are the
एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। इधर इमेजिन कीजिए कि प्योर सॉल्वेंट ले लिया मैंने, सॉल्वेंट, ठीक है ना, और इधर मैंने सॉल्यूशन लिया है, समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने मान लो इधर वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट, इधर शुगर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या नजर आएगा बेटा, यहाँ पे मान लेते कि अपन ने कलर कर लिया है इसको, तो होगा क्या, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो आप देखते हैं कि यहां से जो सॉल्वेंट है ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ओके। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं ऑस्मोसिस, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ओके, यू अंडरस्टैंड इट। इसे क्या कहेंगे आप, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। मतलब ऑस्मोसिस ये यूनिडायरेक्शनल फेनोमेना हो गया। कैसे हो गया, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। इसको सबसे पहले एबे नोलेट नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया था कि भाई इस टाइप का फेनोमेना होता है। ये साइंटिस्ट का नाम है एबे नोलेट। उसने एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर इसको ऑब्जर्व किया था, उसका भी मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। इसने नीचे में वाटर लिया था और एक ऐसी फनेल लगाया था और फनेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखा था, यहाँ पर कलर सॉल्यूशन डाल दिया था सुक्रोज का। काय का सॉल्यूशन डाला था बेटा, सुक्रोज का सॉल्यूशन जो कि कलर था, और यहाँ पर उसने वाटर ले लिया था इस कंटेनर में, ठीक है ना। तो उसको दिखा कि यहाँ से वाटर जो है ऊपर चढ़ गया, तो लेवल जो है सुक्रोज सॉल्यूशन का यहाँ पर बढ़ गया। इस फेनोमेना को उसने बोला था ऑस्मोसिस। जैसा मैंने आपको बनाया, सॉल्वेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप बोलते हो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप काय की बना सकते, सेलुलोज, सेलुलोज नाइट्रेट, एनिमल ब्लैडर, कॉपर फेरो साइनाइड, ये आपको याद रखना चाहिए, ओके, राइट इट। ठीक है, तो अभी अब सवाल यह आता है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ इट वर्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता और ये वर्क कैसे करता है, तो मैं इसके बारे में बताने की आपको जो है कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले याद रख लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर किधर एग्जिस्ट करेगा, ये डेवलप एट द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, डेवलप और प्रोड्यूस नेचुरल प्रेशर होता है एट द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाए से डिनोट करेंगे, समझ में आ रही मेरी बात। जैसा फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ये फनेल है, इसमें सॉल्यूशन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और ये आपने वाटर लिया, क्या होगा, और यहाँ पर इस कंटेनर में आपने सॉल्यूशन ले लिया है सुक्रोज का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये कलर है मान लीजिए, अब होगा क्या कि धीरे 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 सॉल्वेंट जो है ये यहाँ पर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, चढ़ते 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 एक पर्टिकुलर लेवल तक, यहाँ तक आकर ये फेनोमेना स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नेचुरल प्रेशर इस कंडीशन में बिल्डअप हुआ, जो अंदर वाला जो सॉल्वेंट है उसको ऊपर नहीं आने दे रहा। तो इस प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं बेटा,
ऑस्मोटिक प्रेशर, तो नेचुरल एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन विच स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो रहा, सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ऑस्मोसिस चल रहा है, लेकिन एक ऐसा नेचुरल एक्सटर्नल प्रेशर, ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी तो था उस सॉल्यूशन के ऊपर, लेकिन एक नेचुरल प्रेशर भी डेवलप हो गया और इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता, अगर मान लो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ बहुत लो है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, मतलब ऑस्मोसिस जल्दी रुक जाएगा। अगर डाइल्यूट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा, यानी लो इंटेंसिटी का रहेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, ये पाए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यू रिमेंबर के बिकॉज दिस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मोर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट्स व्हाई इट इज अ कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट्स अ कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया कि वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पाए यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वेरी इंटरेस्टिंग, लिख लो इसको। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर हम सॉल्यूशन को तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहले ये समझ लो आप, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कितने टाइप के सॉल्यूशन है बेटा, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तीन टाइप्स है। अब आप बोलेंगे सर कैसा, नंबर वन पहला सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बोलो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो मैंने दो सॉल्यूशन लिया ए और बी, ठीक है, अगर दोनों सॉल्यूशन, ये ए सॉल्यूशन है और मान लीजिए ये बी सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है, ये भी सॉल्यूशन है इमेजिन कीजिए और ये भी सॉल्यूशन है। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज अ आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम क्या बोला मैंने, बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो दोनों का सी यानी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, वेरी सिंपल। अब अगर दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब आप बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप किसे कहोगे, वेरी सिंपल है ना, द सॉल्यूशन विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, अगर दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कौन सा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, ये ए सॉल्यूशन है ये बी है, अगर पाई वन इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है पाई टू से बी सॉल्यूशन से तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है बी के रिस्पेक्ट में तो कॉन्सेंट्रेशन भी इसका ज्यादा रहेगा बी के रिस्पेक्ट में, ये भी याद रख लेना, बट वी आर डिफाइनिंग द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, काय के बेस पर डिफाइन कर रहा, पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी सिंपल। सी क्लास या तीसरा टाइप है
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब कम, तो नाम ही बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई आपने ऐसा सॉल्यूशन बनाए, द सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो ये ए है और ये क्या है बोलिए आप बी है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन, इसका पाई टू, तो पाई वन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू से कम रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम रहेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई हो गया बेटा, तीन कैटेगरीज में। आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशन अगर ले रहे हैं आप दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। हाइपरटोनिक, एक का ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट में। हाइपोटोनिक, इसका कम उसका ज्यादा, तो सॉल्यूशन की तीन क्लास हो गई। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल सेम है, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है क्योंकि इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, वेरी सिंपल, राइट इट।